Good morning, all of you. Now, hope you all had enjoyed previous video lecture. Let's start today's class. In previous lecture, we all had seen properties of whole numbers. Whole numbers की हम लोग properties पढ़ रहे थे. ठीक है? अब उन whole numbers की properties हम लोगों ने पढ़ी थी, but those properties are not completed. वो हमारी properties complete नहीं हो पाई थी. So, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. सो फर्स्ट वी ऑल हैड सीन क्लोजर प्रॉपर्टी. हम लोगों ने पहले देखा था, ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी देखा था, और फिर उसके बाद में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी देखा था. ठीक है ना? क्लोजर एंड कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव सो क्लोजर केस में हमने ये देखा था कि जब भी हम किन्हीं टू नंबर के साथ में कोई ऑपरेशंस करते हैं, तो वो ऑपरेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारा होल नंबर आता है या नहीं आता है. सपोज इफ वी आर एडिंग टू होल नंबर्स, देन वी गेट रिजल्ट 6. सो टू इज ऑल्सो होल नंबर एंड 4 इज ऑल्सो होल नंबर. वेन टू होल नंबर्स आर एडेड, देन द क्वान्टिटी ऑब्टेन्ड दिस इज ऑल्सो होल नंबर. तो ये तो था एडिशन के केस में. सिमिलरली हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इन सभी का देखा था, और उसमें ये पता हम लोग को देख करके लगा था कि जो सब्ट्रैक्शन होता है और डिवीजन होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इन दोनों के केस में ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है. क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ऑलवेज ट्रू इन द केस ऑफ होल नंबर्स. ठीक है ना? When they are divided and when they are subtracted. ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा था. एंड इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब इनके हम लोग सिक्वेंस चेंज करते हैं, उसमें हम लोगों ने क्या लिया था. सपोज आई एम टेकिंग हियर 2 into 4, 2 into 4 करें या फिर 4 into 2 करें, सिक्वेंस चेंज कर दें. जो पहले लिखा था उसको बाद में, जो बाद में लिखा था उसको पहले, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एडिशन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड इन केस ऑफ डिवीजन, उस केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, ऑलवेज ट्रू नहीं होती है. ठीक है? सो वी ऑल हैड सीन दीज थिंग्स इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था. नाउ टुडे विल ट्राई टू लर्न अ न्यू प्रॉपर्टी. एक न्यू प्रॉपर्टी हम लोग आज देखेंगे. और नाउ सो हम लोग क्या इस टाइम लर्न कर रहे हैं, वी आर लर्निंग दिस टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. होल नंबर की प्रॉपर्टीज हम लोग इस टाइम देख रहे हैं. ठीक है ना? जिसमें से दो प्रॉपर्टीज हम लोग लर्न कर चुके हैं, एंड टुडे विल ट्राई टू लर्न अ न्यू प्रॉपर्टी. दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी एंड इट्स नेम इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है? तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी ही है जैसा कि हम लोगों ने देखा था अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में. ठीक है ना? बट डिफरेंस इस टाइप, डिफरेंस ये होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसमें मोर देन टू नंबर्स लेंगे हम लोग. विल टेक मोर देन टू नंबर्स. सो सपोज आई एम टेकिंग अ नंबर हियर 2 + 4 + 6. सो हम इसमें क्या कर रहे हैं, अभी एडिशन करेंगे. फर्स्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं 2 + 4 को. फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 2 + 4 को, तो हमें मिल जाएगा 6. नाउ अब फिर हम इस 6 को ऐड करेंगे, देन विल गेट 6 + 6, हमें मिलेगा 12. ठीक? ये तो हमें उस केस में मिला. अब सपोज अगर हम इसको ऐसे करें 2 + 4 + 6. नाउ अब हम ऐड कर रहे हैं 4 + 6 को पहले, 4 and 6 को पहले ऐड करेंगे. सो व्हेन 4 and 6 इज एडेड वी गेट 10 एंड 2. नाउ ऐड दीज टू नंबर्स 2 + 10, विल गेट हेयर 12. सो इफ वी आर कंपेयरिंग हेयर, अगर हम यहाँ कंपेयर करें, देखिए यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, दोनों 12 12 आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं. सो
हम लोगों ने क्या किया था कि जब भी हम ऐसे सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में ये ग्रुप ऑफ नंबर्स के सीक्वेंस हम चेंज कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन राइट सपोज टू के प्लेस हम लिखते हैं ए, ए इज अ होल नंबर एंड बी इज ऑल्सो अ होल नंबर, इसको हम ऐड कर रहे हैं पहले, एंड प्लस सी, सी मीन्स एक कोई सिक्स या फिर कोई एक दूसरा नंबर है, ए प्लस बी पहले हम ऐड करें फिर उसके साथ में सी को ऐड करें, और या फिर हम पहले बी और सी को ऐड करें, फर्स्ट हम लोग ऐड करें बी और सी को, फिर जो आए उसमें ए को ऐड करें, तो फाइनल रिजल्ट इक्वल आता है, फाइनल रिजल्ट इज इक्वल। दिस इज आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें ग्रुप ऑफ सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, एडिशन के लिए होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ सिमिलरली जैसा कि हम लोगों ने कल किया था एडिशन का किया था, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन का किया था, सब्ट्रैक्शन का किया था, डिवीजन का किया था, तो सिमिलरली इसमें भी हम लोग ऐसे इस प्रॉपर्टी में भी हम लोग ये सभी ऑपरेशंस अप्लाई करके देख सकते हैं कि विच प्रॉपर्टी इज होल्ड्स ट्रू एंड विच इज नॉट एंड फॉर विच ऑपरेशन। हमने क्या बोला कि अब इसमें हम एडिशन का कर चुके हैं, नाउ नाउ विल्स अब हम लोग इसमें सब्ट्रैक्शन का करके देखते हैं, लेट्स सी, चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर 6 प्लस 4 माइनस 2, ठीक। अच्छा सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं, चलिए सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, तीनों हमने क्या किया सब्ट्रैक्शन कर दिए, ठीक है। हमें ये पता करना है इसमें कि वन बाई वन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और सीक्वेंस चेंज करते रहें तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, वो नंबर सेम आते हैं या नहीं आते हैं। सो फर्स्ट हम क्या करें 6-4 को 6-4 सॉल्व करें, देन वी गेट हियर 2, 6-4 2, नाउ वी हैव हियर माइनस ऑफ 2, 2-2 हमें मिल जाएगा यहाँ पे 0, विल गेट हियर 0। नाउ अब इन सेकेंड केस में हम क्या करें 6-4-2 इन दोनों को माइनस करें अब, ठीक, फिर जो आए उसमें 6 से माइनस करें, अब चलिए माइनस करिए। सो क्या है यहाँ पे 6 माइनस, फर्स्ट विल माइनस 4-2, नाउ 4-2 व्हाट वी गेट 2 मिलेगा, और ये माइनस, ये बाहर वाला माइनस हो गया, ओके। नाउ 6-2 क्या मिलेगा, वी गेट हियर 4। सो हम आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कि पहले में हमें 0 मिला और दूसरे में 4 मिला, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है। अगर हम इसमें ग्रुप ऑफ नंबर्स दिस सीक्वेंस और ग्रुप ऑफ नंबर्स इज चेंज्ड देन दिस इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो जब भी ये इक्वल नहीं होंगे, जब भी इक्वल नहीं होंगे दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट फॉर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू। ये हमने क्या किया है सब्ट्रैक्शन, हमने ये किया है सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन, ओके, दिस इज सब्ट्रैक्शन। सो फॉर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, डज नॉट होल्ड ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया सीक्वेंस चेंज करके कि हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं तो वैल्यूज इक्वल आ ही नहीं रही हैं, दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे होल्ड ट्रू, इन केस ऑफ एडिशन वी कैन राइट हियर होल्ड्स ट्रू, ठीक है ना, यहाँ पे ये ट्रू होल्ड कर रही है, किस केस में, एडिशन के केस में, सो आई एम राइटिंग हियर एडिशन।
ठीक है, एडिशन केस में ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ट्रू होल्ड कर रही है. ओके, नाउ वी हैड सीन हियर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नाउ सेकंड ऑफ नाउ थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन. चलिए अब मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में अगर हम सिक्वेंस चेंज करते हैं तो इस पर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है. सो आई एम टेकिंग मल्टीप्लीकेशन. अब मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं, आई एम टेकिंग टू नंबर्स है, ऐसे टू इंटू फोर को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर जो आएगा उसमें सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ मल्टीप्लाई दिस टू इंटू फोर, फोर टू जा एट, इंटू सिक्स, एट सिक्स जा 48, वी हैव 48. ओके, अब हम क्या करेंगे, टू इंटू फर्स्ट विल मल्टीप्लाई फोर इंटू सिक्स. हम क्या करें, फोर और सिक्स को मल्टीप्लाई करने पहले फर्स्ट वी आर मल्टीप्लाइंग फोर इंटू सिक्स, फोर और सिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग फोर इंटू सिक्स व्हाट वी गेट, 24. वी गेट हियर 24. नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाई टू. अब इसको हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे. सो टू इंटू 24 व्हाट वी गेट, वी गेट हियर क्या मिलेगा हमें, 48. यस, वी गेट हियर 48, हमें मिल जाएगा 48. नाउ कंपेयर दिस वैल्यूज, इन फर्स्ट वैल्यू वी ऑल्सो गेट 48, इन सेकेंड वैल्यू वी ऑल्सो गेट 48 आफ्टर इट सॉल्यूशन. दैट मीन्स दीज आर इक्वल, दीज आर इक्वल. सो वी कैन से दैट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन सिक्वेंस ऑफ मोर देन टू नंबर्स आर चेंज देन देयर इज नो डिफरेंस इन द फाइनल रिजल्ट. फाइनल रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. कब, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन केस में इफ सिक्वेंस आर चेंज देन देयर इज नो डिफरेंस इन आंसर. आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. ठीक है, तो हमने ये क्या किया था यहाँ पे, वी हैड डन हेयर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन. ठीक है ना, हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया. ओके, सो यहाँ पे आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ए ट्रू फॉर मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड्स, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू. ठीक है, ये हो गया. चलिए, नाउ वी हैड सीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. नाउ लास्ट ऑपरेशन इज डिविजन. ठीक है, लास्ट ऑपरेशन हमारा आ जाएगा डिविजन का. तो चलिए वो भी देख ले रहे हैं, डिविजन भी. आई एम ड्रॉइंग अ लाइन हियर. ओके, नाउ अब यहाँ पे हम एक डिवीजन के लिए नंबर्स ले रहे हैं, डिवीजन के लिए नंबर्स ले रहे हैं. देखिएगा, नाउ सिक्स डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू. ठीक है, ऐसे ले लिया हमने नंबर. ओके, चलिए ऐसे या फिर सेम नंबर ले लें, सेम नंबर, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको. हम शुरू से लेते आ रहे हैं 2, 4, 6, तो ऐसे ही ले रहे हैं 2 डिवाइड बाई 4. ओके, पहले हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 6 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाई 4 व्हाट वी गेट, वी गेट 0.5. Now, when this is divided by 6, then what we get? .08. ये वैल्यू हमें मिलेगी. Now, अब हम क्या करेंगे? हम 4 and 6 को एक साथ लेकर के डिवाइड करेंगे. Now, I am dividing first 4 and 6. So that means 4 is divided by 6. इसको हम डिवाइड करें. So value क्या आएगी? We get a value, एक value हमें मिलेगी. वो कौन सी value होगी? Point में
ओके 0.6, ठीक है ना, 0.6. नाउ दिस टू इज डिवाइडेड बाय 0.6, सो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगी वैल्यू, चलिए इसको डिवाइड कर ले रहे हैं 2 को 0.6 से. वी गेट हेयर 3.3. नाउ कंपेयर दिस वैल्यूज. अब ये वैल्यूज आप कंपेयर कीजिए और देखिए कि ये हमारे आंसर सेम है या नहीं है. सो व्हेन वी कंपेयर दीज टू वैल्यूज, अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि दीज टू आंसर्स आर नॉट इक्वल. देखिए फर्स्ट में हमें क्या मिला था 0.08 एंड सेकेंड में मिला है 3.3. सो दीज टू नंबर्स आर नॉट इक्वल. दैट मीन्स अगर हम ऐसे सिक्वेंस चेंज करते हैं इन केस ऑफ डिविजन, डिविजन के केस में अगर हम सिक्वेंस चेंज करते हैं अपने सॉल्व करने का, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू. ठीक है, सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया था, वी हैड डन हियर डिविजन, लास्ट ऑपरेशन डिविजन. ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू, यहाँ पे ट्रू नहीं है. ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर डज नॉट होल्ड ट्रू, डज नॉट होल्ड ट्रू. देखिए ये प्रॉपर्टीज, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोग अपने यूज करेंगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे. उसकी इस प्रॉपर्टी की मीनिंग ये है कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के केस में हमें सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है. उसमें हम लोग सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सीक्वेंस हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. अगर हम सीक्वेंस चेंज करेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी. इसी वजह से डिविजन केस हम लोग सीक्वेंस चेंज नहीं करते हैं डिवाइड करने का, ना ही हम सब्ट्रैक्शन के केस में सीक्वेंस चेंज करते हैं. बिकॉज व्हेन वी चेंज सीक्वेंस देन वी गेट डिफरेंट वैल्यू, तो हमें डिफरेंट वैल्यू ही ऑब्टेन होती है. ठीक है, बट हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अपने सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं. सो यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज है. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझ लिया होगा.